कितना हाँ जरूर कर दूंगा। उसने आने वाले ने कहा था बेटा पहले एक वादा करना पड़ेगा, बताओ वादा क्या है। सो आदित्य अपना ने कहा था बताओ वादा क्या है। कहा तो वादा ये है कि किसी को बताना नहीं है। ठीक है नहीं बताऊंगा। वो कहा था काम क्या है। तो वो कहा था कि मैं एक बच्चे की तलाश में आया हूँ, एक बच्चे की तलाश में आया हूँ। आदित्य अपनिया कहते हैं कि बताओ बच्चे से क्या काम है, बताओ बच्चे से क्या काम है। हजरत अब उस आने वाले ने कहा था बच्चे से काम ये है कि ये राज की बात है, मैं राज की बातें तुम्हें कैसे बताऊं। हजरत अब्दुल्ला ने कहा था अगर तुम राज की बातें नहीं बताओगे तुम अब्दुल्ला का पता नहीं बताएंगे। ये सुनते ही दुश्मन नर्स गया और कांपने लगा और कहते हैं बेटा सुन मेरे बीच में मेरे बीच और आने का मकसद ये है कि उस बच्चे की तलाश में मैं इसलिए आया हूँ कि मेरी कौम ने भेजा है उस बच्चे का सर काम करवाना है, उस बच्चे का सर काम करवाना है। हजरत अब्दुल्ला ने कहा बताओ इसके बदले में तुम्हें क्या मिलेगा। आने वाले ने कहा था कि मुझे इनाम से नवाजा जाएगा, मुझे इनाम से नवाजा जाएगा। हजरत अब्दुल्ला ने कहा ठीक है मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। हजरत अब्दुल्ला ने कहा था फिर से होगी मैं घर से और वापस आता हूँ। घर गए एक हाथ में प्याला दूसरे हाथ में प्याला ला रही है, एक हाथ में खुजूर है और दूसरे हाथ में पानी ला रही है। पानी लाने के बाद खुजूर लाने के बाद अपने दुश्मन के सामने खुजूर और पानी सामने रख देते हैं और कहते हैं खुजूर खा लो पानी पी लो। कैसे हो फिर से आए होंगे, भूख भी लगी होगी कैसी हो प्यास भी लगी होगी। आने वाले ने कहा था बेटे मुझे पानी की जरूरत नहीं है, मुझे उस बच्चे का पता बता दो। हजरत अब्दुल्ला ने कहा था हमारे खानदान का उसूल रहा है कि जब भी कोई आने वाला मेरे दरवाजे पर आया है तो मैंने उसे खाली हाथ वापस नहीं किया है। अगर दस्तरखान पे आया है तो अपनी हैसियत के मुताबिक उसकी मेहमान नवाजी की है। इतना कहकर हजरत अब्दुल्ला उस आने वाले के सामने खुजूर और पानी पेश कर देते हैं। आने वाले ने खुजूर खाया, खुजूर खाते हैं पानी पीने के बाद हाथ साफ करते हैं। हाथ साफ करने के बाद कहते हैं बेटे अब तो बताओ अब्दुल्ला कहाँ मिलेगा। हजरत अब्दुल्ला ने कहा था सर काटूंगा जरूर। हजरत उसने कहा था हाँ जरूर काटूंगा, फिर क्या मिलेगा। कहा था मेरी नसीबों का गुजारा हो जाएगा। हजरत अब्दुल्ला ने उस आने वाले के सामने अपना सर झुका देते हैं, अपना सर झुका कर कहते हैं आने वाले सुन तुझे सर काटना है ना तो मेरा सर काट ले। आने वाले कहता है बेटा मुझे तेरा सर नहीं चाहिए बल्कि हजरत अब्दुल्ला का सर चाहिए था। आने वाले ने कहा था मुझे अब्दुल्ला का सर चाहिए था। हजरत अब्दुल्ला ने कहा था वो आने वाले सुन तुझे अब्दुल्ला को तलाश कर रहा है। वो अब्दुल्ला कोई और नहीं है बल्कि वो अब्दुल्ला मैं हूँ, मेरा जिन अब्दुल्ला मैं हूँ, मैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। ये सुनकर आने वाले की चीख निकल जाती है और तलवार निकालता है। तलवार निकालने के बाद आपके कदमों में रख देता है और आपके कदमों में अपना सर रख देता है और कहता है